नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले जोरदार बर्फबारी हुई है। बर्फबारी से केदारनाथ सफेद हो गया। बर्फबारी से धाम में ठंड बढ़ गई है। वहीं गंगोत्री धाम में भी भारी बर्फबारी हुई। यहां धाम के कपाट बंद होते ही अचानक मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे समूची गंगा घाटी बर्फ से सफेद हो गई। केदारनाथ में भारी बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केदारनाथ में ही फंस गए। दोनों मुख्यमंत्रियों को कपाट बंद होते ही 8:30 पर बद्रीनाथ के लिए उड़ना था। इस बर्फबारी में हेलीकॉप्टर का उड़ना संभव नहीं था। केदारनाथ में शनिवार रात से ही मौसम बदल गया था और बूंदाबांदी के साथ ही बर्फ गिरनी शुरू हो गई थी, जो कुछ देर पहले मिली जानकारी के मुताबिक जारी थी। रविवार रात 8:30 पर कपाट बंद होने से पहले सोमवार तड़के मंदिर में परंपरागत तरीके से पूजा की गई। इस पूजा में केदारनाथ मंदिर के पुजारी, परंपरागत तीर्थ पुरोहित, स्थानीय प्रशासन और चारधाम देवस्थान बोर्ड के पदाधिकारियों के साथ ही योगी और रावत भी शामिल हुए। इसके बाद ठंड और बर्फबारी के बीच भैया दूज के पावन पर्व पर केदारनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो गए। बता दें कि 8वीं शताब्दी का भगवान शिव का ये मंदिर समुद्र तल से 3,581 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर हिमपात के कारण हर साल अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाता है और अप्रैल मई में दोबारा खोला जाता है। यहाँ के शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। पत्थरों से बने, कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के जनमेजय ने कराया था। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। इस मंदिर की आयु के बारे में कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, पर 1,000 वर्षों से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल रहा है। केदारनाथ के संबंध में लिखा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ के दर्शन किए बिना बद्रीनाथ की यात्रा करता है, उसकी यात्रा निष्फल मानी जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।